हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर नेम है पाइथन पांडास वन। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने सीरीज डिस्कस किया था, वो फिनिश हो गया है। आज हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, डेटा फ्रेम। क्या पढ़ेंगे? डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम क्या होता है? और डेटा फ्रेम इज अनदर पांडास स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे सीरीज एक पांडास का स्ट्रक्चर था, उसी टाइप से डेटा फ्रेम भी क्या है? एक पांडास का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये पांडास का स्ट्रक्चर है। विच स्टोर्स डेटा, क्या स्टोर करेगा? ये डेटा स्टोर करेगा इन टू डायमेंशनल वे। अब देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, विच स्टोर्स डेटा इन टू डायमेंशनल वे। जो सीरीज था वो क्या था? वो भी क्या है? सीरीज इज पांडास स्ट्रक्चर विच स्टोर्स डेटा। वो भी स्टोर करता था डेटा, लेकिन वो कैसे करता था? इन वन डायमेंशनल में, केवल एक डायमेंशन में ही आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। किसमें? सीरीज में। लेकिन डेटा फ्रेम में हम लोग किस क्या का डेटा क्रिएट करेंगे, स्टोर करेंगे? टू डायमेंशनल में, मतलब विच स्टोर्स डेटा इन टू डायमेंशनल वे। इसमें क्या होगा? दो डायमेंशनल होगी और सीरीज में एक डायमेंशनल थी। ठीक है, इट इज एक्चुअल अ टू डी, इट इज एक्चुअल अ टू डी, मतलब टू डायमेंशनल। क्या होगा? टेबलर एंड स्प्रेड शीट। अब आप देख सकते हैं टेबल, आपने एमएस एक्सेल में देखा होगा टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, कोई भी डेटा होगा इस फॉर्म में होगा, टेबलर फॉर्मेट में ही होता है, टेबल्स बनी होती है, उसी को स्प्रेड शीट ही बोल देते हैं। ठीक है, स्प्रेड शीट, स्प्रेड क्या बोलते हैं? एक्सेल बोलते हैं, जिसमें हम क्या कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, ये किस टाइप होती है? टू डायमेंशनल ही होती है, रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, लेबल्ड एरे। क्या होगा? लेबल्ड एरे, मतलब हमें इसमें रो भी डिफाइन करने होते हैं। विच इज एक्चुअल एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ कॉलम्स, विच इज एक्चुअल एन स्टोर ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ कॉलम्स। क्या होंगे इसके अंदर? कलेक्शन ऑफ कॉलम्स। जो सीरीज थी उसमें कलेक्शन ऑफ रोज थे, कॉलम्स नहीं थे, इसलिए उसे क्या कहते थे? वन डायमेंशनल बोलते थे। लेकिन इसमें क्या होगा? कलेक्शन ऑफ रो भी होगा प्लस कलेक्शन ऑफ कॉलम्स भी होंगे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? टू डायमेंशनल एरे। ठीक है, कॉलम्स में स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। कॉलम्स क्या करेगा? डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करेगा। एग्जाम्पल दे, जैसे न्यूमेरिक हो गया, न्यूमेरिक टाइप का स्टोर कर सकता है, स्ट्रिंग टाइप का कर सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का कर सकता है, बूलियन टाइप का कर सकता है। ठीक है, एटसेट्रा, और डेटा स्टोर कर सकता है, इस टाइप के डेटा इसमें स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डेटा फ्रेम। अब टू डायमेंशनल एरे क्या होता है? क्या होता है? अ टू डायमेंशनल एरे इज एन एरे, क्या है? एरे है इन विच ईच एलिमेंट इज इटसेल्फ, एक एलिमेंट खुद एक एरे है। जैसे मान लो हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया टेबल, ठीक है, ये टेबल हमने क्रिएट किया, तो ये क्या है? एक इसके अंदर एक एलिमेंट होगा, इसके अंदर खुद का एलिमेंट होगा, इसके अंदर खुद का एलिमेंट, तो ये एलिमेंट है ये चीज। ठीक है, क्या है? अ टू डायमेंशनल एरे इज एन एरे इन विच ईच एलिमेंट इज इटसेल्फ एन एरे, खुद एक एरे है। फॉर इंस्टेंस एन एरे किस टाइप का होगा? अब जैसे मान लो हमारा ये है 1 2 3 ए और बी, ठीक है, या फिर कुछ और दे सकते हो, यहां पे वाला हमने दे दिया, यहां पे वाई जेड, ठीक है, 1 2 3 वाई जेड। अब देखिए यहां पे क्या है, मान लो यहां पे डेटा है तुम, मान लो यहां पे है 4, ठीक है, क्या है? 4 है। तो एरे कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए यहां पे ए हमारा क्या होगा, ये डेटा फ्रेम का नाम होगा। उसके बाद एम क्या है? एम क्या होता है इसमें? एक पूरा देख लिया, एन एरे इस फॉर्म में होगा एस एन एम बाई एन टेबल्स विद एम डिनोट्स रोज एंड एन डिनोट्स कॉलम्स कंटेनिंग एम मल्टीप्लाई एन एलिमेंट्स, इस टाइप से एलिमेंट कंटेन कर रखेंगे। ठीक है, तो एम हमारा क्या है? एम देखिए क्या है, एम हमारा क्या है?
नंबर ऑफ रोज। अब देख सकते हैं अगर हम इसको डिफाइन करें तो रो रो क्या है वाई है, तो क्या होगा वाई, ठीक है। और एन क्या कॉलम, तो कॉलम हमारा क्या टू है, तो इस तरह हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टू डायमेंशनल एरे, डेटा फ्रेम हो गया टू डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा स्ट्रक्चर से देख लीजिए, पहले इसको नोट करना है आपको। देखिए यहाँ पे अगर हम सीरीज क्रिएट करेंगे, सीरीज और डेटा फ्रेम, ठीक है, तो हम सीरीज क्रिएट करेंगे तो मतलब स्टेप्स होंगे, ठीक है। ये आपका डेटा होगा, यहाँ पे इंडेक्स होगा, इंडेक्स 0, 1, 2, 3। यहाँ डेटा मान लो क्या है, मान लो है यहाँ पे 10, 20, 30, 40। तो ये क्या वन डायमेंशनल, क्यों क्या है इसमें बाय डिफॉल्ट वन ही रो होते हैं, सॉरी वन कॉलम होते हैं और नंबर ऑफ रोज ज्यादा होते हैं क्योंकि इंडेक्स डिफाइन करना होता है। अब इसमें देखो जैसे मैंने इसको डिफाइन किया, अब यहाँ पे मेरा क्या डेटा है और ये क्या इंडेक्स है, 0, 1, 2 कर दिया हमने, यहाँ दिया 10, 20, 30, 40, 50 और 60। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ रोज भी जाता है, नंबर ऑफ कॉलम्स जाना, तो ये क्या है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये जीरो है, ये वन एक्सिस, जीरो और वन एक्सिस। तो जैसे हम लोग सीरीज में डेटा डिफाइन करते थे, वो कैसे करते थे, अगर हम लोग इसमें करते थे जैसे मान लीजिए 10 है, इसको ऐसे करते थे, मतलब इसका स्ट्रक्चर कितना है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, क्या बोलेंगे 1, 2, 3, 4, तो 4 कॉमा, बस ये ब्लैंक छोड़ देते थे। अब इसमें क्या है 1, 2, 3, ठीक है 1, 2, 3 हो गई है, ठीक है। दूसरा क्या 2, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं कर, ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक है। अब यहाँ देखिए 0 कितना है 3 है, और यहाँ पे 1 पे कितना है 2 है, तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे फिल हो जाता है, ये 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल बन जाता है, इसमें क्या है 1 डायमेंशनल है, इसलिए डेटा ऐसे डिफाइन करते हैं इसमें, जो साइज हम देते हैं स्टार से देते हैं, ठीक है। डेटा फ्रेम में स्टार से देंगे और सीरीज में स्टार से देंगे, यह समझ आ गया होगा आपको सीरीज और डेटा फ्रेम। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा फ्रेम, क्योंकि यही आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, पूछे इससे भी जाएंगे लेकिन इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और इससे ज्यादा आपका सिलेबस भी है, ठीक है। तो इसको और अच्छी तरह समझना है, समझना इसको भी, अगर इसको समझ नहीं आएगा तो ये भी नहीं समझ सकते आप, पहले इसको समझना उसके बाद ही आप समझ सकते हैं, जब तक सीरीज नहीं समझेंगे तब तक डेटा फ्रेम नहीं समझ सकते, ठीक है। तो हमें इसको सही से पढ़ना है, समझाया जी। तो इसके हम लोग नेक्स्ट, ये आप नोट करेंगे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद क्रिएट एंड डिस्प्ले अ डेटा फ्रेम, ठीक है। हम लोग इसके डेटा फ्रेम क्रिएट कैसे करते हैं और डिस्प्ले कैसे कराते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको नोट करना, इसकी एक फोटोकॉपी, वो फोटो क्लिक करके हमें सेंड करनी सभी स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी से मैं कह रहा हूँ, केवल कुछ ही स्टूडेंट्स को सेंड करते हैं, ठीक है। ठीक, थैंक यू।